नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए लालू यादव चौक, यदुवंशी नगर, भरपूरा, एनएच 19। तो इस लालू यादव की पंचायत पर, लालू के चौक पर, लालू की चौखट पर कौन कौन से विधायक आने वाले हैं, इसको लेकर पटना में सत्ता का गलियारा गर्म है। कल एक बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास पर, बहुत सारे विधायक उसमें आए थे, पार्टी के बड़े नेता भी उसमें जुटे थे। तो कहा यह गया विधायकों द्वारा कि सरकार तो बनती है हर बार, लेकिन बहुत सारे विधायकों को मौका नहीं मिलता है सरकार बनाने का, सरकार में शामिल होने का, कहिए तो मंत्री बनने का, वो मौका नहीं मिलता है। तो विधायकों ने, बहुत सारे विधायकों ने, जो हमारे सोर्स है वो बताते हैं कि लगभग 2 दर्जन विधायकों ने ये कहा कि हमको कोई मौका नहीं मिलता है, पुराने लोग बार बार मंत्री बन जाते हैं और हम लोग देखते रह जाते हैं, ताली बजाते रह जाते हैं, तो सरकार बनने का बिगड़ने का हम लोगों का कोई फायदा मिलता नहीं है। तो ये एक दबाव की राजनीति कल हुई है मुख्यमंत्री निवास पर। जेडीयू विधायकों ने काफ़ी दबाव बनाया है नीतीश कुमार पर कि अब जो आप मंत्रिमंडल विस्तार करने वाले हैं उसमें हमको मौका दीजिए, पुराने लोग तो कई बार मंत्री बन चुके हैं, नए लोगों को मौका दीजिए, जो कभी 2 बार 3 बार से विधायक रहे हैं वो मंत्री नहीं बन पाते हैं, उनको आप मौका दीजिए। तो विधायकों के इस दबाव को नीतीश कुमार अब झेलना शुरू कर चुके हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार बहुत आसानी से हो जाएगा, सरकार आसानी से बन जाएगी, सरकार तो बन गई, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं। देखिए विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, अभी सम्राट चौधरी ने कहा अभी सवेरे सवेरे कि हम जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, लेकिन जो अंदर की पेच है उसको जानने और समझने की जरूरत है। जो दबाव जदयू विधायकों द्वारा बनाया जा रहा है कि आप हमको बनाइए मंत्री, आप तो मुख्यमंत्री बनते ही बनते हैं, पुराने लोग फिर मंत्री बन जाते हैं, तो हमारा क्या, हम तो विधायक के विधायक ही रह जाते हैं, विकास नहीं कर पाते हैं, हमको कभी तो मौका मिले हमको, तो ये भावना विधायकों ने मुख्यमंत्री के सामने कल बताई। तो बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा हथियार विधायकों ने छोड़ा है जिसको लेकर नीतीश कुमार काफी दबाव में है। बहुत सी विधायकों ने, तो जैसे गोपाल मंडल ने तो खुल के बोल दिया कैमरे के सामने, लेकिन जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे विधायकों ने मुख्यमंत्री से भी ये भावना शेयर की कि हमारे पास बहुत तरह के ऑफर भी हैं मुख्यमंत्री जी, हमको अप्रोच भी किया जा रहा है, हम क्या करें, हम तो धर्म संकट में हैं, हम क्या करें, आप भी मंत्री नहीं बनाते हैं, अगले आदमी से हमको मंत्री बनने का ऑफर है, हम धर्म संकट में है, फैसला आपको लेना है, आप हमारे नेता हैं, हम आपके साथ हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो दुविधा है, हम जो धर्म संकट में है, इससे निकालने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो लालू चौक पर, लालू की पंचायत में, लालू के दरबार में कौन कौन से विधायक आना चाहते हैं इसका तो पता चलेगा ही चलेगा जब फ्लोर टेस्ट होगा। आप देखिए फ्लोर टेस्ट की भी तारीख 2 दिन बढ़ा दी गई थी, कहा जा रहा है कि पहले 10 की तारीख थी, लेकिन चूंकि 14 दिन पूरा नहीं हो रहा था तो वो बढ़ा के 12 तारीख कर दी गई, यानी 14 दिन पूरा होगा तभी वो नोटिस जो है अविश्वास प्रस्ताव वाला वैलिड होगा और अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ सुनवाई हो सकती है, उस दिन वोटिंग हो सकती है। अगर 14 दिन नहीं होता तो अध्यक्ष की कुर्सी पर अवध बिहारी चौधरी ही बैठे रह जाते, तो वो बढ़ाया गया है, ये एक सुधार किया गया है, 10 से तारीख बढ़ाकर 12 की गई है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है और सबसे जो बड़ा पेच है सियासत का कि जदयू विधायकों में एक गुस्सा है, अपने गुस्से का इजहार भी उन्होंने किया है मुख्यमंत्री के सामने कि मुख्यमंत्री जी अगली बार जब आप मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रहे हैं तो हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए, हम लोगों को भी मंत्री बनाइए, हम लोग को भी मौका दीजिए, पुराने लोग तो बार बार बन रहे हैं, 18 साल का आपका शासन हो चुका है लेकिन हम लोगों को कभी मौका मिलता नहीं है, वही जो पुराने लोग बनते आ रहे हैं वही पुराने लोग बन जाते हैं, तो हम लोगों का क्या होगा। तो ये एक भावना मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने दिखाई है विधायकों ने, जदयू विधायकों में। देखिए हम बताएं कि भाजपा विधायकों में भी गुस्सा है कुछ विधायकों में, हम ये खबर पहले भी आपको दिखा चुके हैं कि बहुत सारे विधायकों के घर में लालटेन जलना शुरू हुआ है। तो कहानी यही है कि भाजपा के कुछ विधायक, लेकिन ज्यादातर विधायक जनता दल यूनाइटेड के ये चाहते हैं
कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनको मौका मिले, उनको मंत्री बनाया जाए, नहीं तो फिर लालू के जो ऑफर को उस पर सोचने के लिए वो मजबूर होंगे, क्योंकि लालू यादव अपने तमाम पासे फेंक रहे हैं, अपने तमाम पत्ते फेंक रहे हैं और कोशिश में है कि सरकार को फ्लोर पर गिरा दिया जाए। ये राजद की कोशिश है कि नई सरकार बनाई जाए तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में, ये कोशिश कर रहे हैं लालू प्रसाद और उनकी टीम। लेकिन एनडीए खेमा भी सतर्क है, लेकिन जिस तरह की बातें आ जा रही है, कल जैसे जदयू विधायकों ने जिस तरह से मुख्यमंत्री के सामने बोला है, तो वो इस तरह के पेच हैं जो नीतीश कुमार को चिंता दे रहे हैं, चिंतित कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी चिंतित है, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है, विभागों का बंटवारा नहीं हो रहा है, मैसेज गलत जा रहा है कि नीतीश कुमार के रहते अगर 5 दिन में विभागों का बंटवारा नहीं हो रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं सरकार के लेवल पर दिक्कत है। तो इस दिक्कत को समझने की कोशिश हो रही है, क्या रास्ता निकलता है, क्या मंत्रिमंडल विस्तार में नए लोगों को जगह मिलती है। देखिए, विस्तार तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद होना है, लेकिन बहुत सारे विधायक चाहते हैं कि नहीं, पहले विस्तार कर लीजिए, तब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हम लोग बात करेंगे। अब क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, लेकिन मामला फंसा हुआ है, इतना तो मानना ही होगा कि मामला फंस चुका है। सरकार बचेगी गिरेगी ये तो 12 को पता चलेगा, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो घटनाक्रम है, वो ये बतलाता है कि हालात बहुत अच्छे नहीं है। नई सरकार जिस तेवर से काम करना शुरू करना चाहिए, वो तेवर अभी सरकार में दिख नहीं रहा है। अभी सारी माथापच्ची हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, विभागों के बंटवारे को लेकर, सरकार के लेवल पर कोई काम अभी हो नहीं रहा है, तो मामला फंसा हुआ है। देखिए नीतीश कुमार क्या इसका समाधान निकालते हैं। लेकिन आपसे जब हम आज बात कर रहे हैं तो ये मानिए कि अग्निपथ जो है बहुत ही मुश्किल है, और इस अग्निपथ से गुजरने के लिए नीतीश कुमार को भारी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि लालू का दरबार खुला हुआ है। आप देख सकते हैं लालू ने अपनी चौखट पर बुलाया है, प्रलोभन दिया है, ऑफर दिया है। प्रलोभन हम क्या कहें आज की सियासत में, ऑफर दिया है कि आपके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑफर हैं, आप लोकसभा चुनाव लड़िए, आप मंत्री बनिए, आपको अगर लगता है कि आपकी सदस्यता चली जाएगी तो हम आपको विधान परिषद में भेज देंगे। ये तमाम तरह के ऑफर लालू प्रसाद के खेमे से दिया जा रहा है। अब विधायकों को फैसला लेना है कि वो नीतीश की बात पर भरोसा करेंगे कि लालू प्रसाद की बात पर भरोसा करेंगे। इसका फैसला 12 तारीख को हो जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।